वी ऑल हैव हर्ड कि रेगुलर मेडिटेशन करने से बॉडी में अपने आप हीलिंग शुरू हो जाती है, बट ऑफन टाइम्स पीपल टेल मी दैट दे आर रेगुलर विद मेडिटेशन, पर बीमारी भी वैसे ही चल रही है. सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर वन एक्सपेरिमेंट दैट वॉज कंडक्टेड इन कैलिफोर्निया. कैलिफोर्निया साइंटिस्ट ने 10 हीलर्स को बुलाया और सबके सामने एक एक ग्लास बीकर रखा और उस ग्लास बीकर में दे पुट ह्यूमन DNA एंड देन दे आस्क्ड द हीलर्स टू कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट. वेल द एक्सपेरिमेंट वॉज वेरी सिंपल. दे सिंपली सेड द हीलर्स सेंड पॉजिटिव वाइब्रेशंस अराउंड यू, सराउंड योर सेल्फ with any kind of a meditative practice that you have so that the energy around you is all positive. This experiment was done for 3 minutes. 3 minute ke baad jab DNA ko check kiya so it was exactly the same as when they had started. So the next experiment was they asked the healers to now put positive affirmations for the DNA. For the positive affirmations, they can use any language, any words that they want, but use positive affirmations along with the positive healing practices that they have been doing. The healers did this, but still, after 3 minutes, there was no change in the DNA. In the third experiment, they asked the healers to give an instruction to the DNA to either change anti-clockwise or clockwise. कि DNA को instruction दी जाए कि वो हिले. तो जब positive affirmations दी गई, feelings of love and positivity were given to the DNA and the instruction was given कि अब आपने हिलना है. तो इस एक्सपेरिमेंट में आफ्टर 3 मिनट्स इट वॉज सीन कि ईच DNA मूव्ड बिटवीन 25 to 30 degrees. आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट द साइंटिस्ट कंक्लूडेड कि जब हम मेडिटेटिव प्रैक्टिस के साथ अपने बॉडी के जो भी डिजीज्ड पैटर्न वाले सेल्स हैं, चाहे वो हार्ट के सेल्स हैं, चाहे वो गॉल ब्लैडर है, चाहे वो किडनी है, चाहे वो ब्रेन सेल्स हैं, हम उस जगह फोकस करके उन सेल्स को अगर हम सही इंस्ट्रक्शन दे दैट रीअलाइन योरसेल्फ एज पर द ओरिजिनल ब्लूप्रिंट दैट वाज लॉज्ड इन योर सबकॉन्शियस माइंड व्हेन यू वर बीइंग बोर्न. जब हम ऐसी इंस्ट्रक्शन देते हैं विद लॉट ऑफ पॉजिटिविटी एंड लव टूवर्ड्स एनी ऑर्गन, द DNA ऑफ द सेल्स ऑफ दैट स्पेसिफिक ऑर्गन स्टार्ट्स चेंजिंग और ये चेंज परमानेंट चेंज होता है. सो रोज जब आप मेडिटेशन करते हैं, विजुअलाइज करिए, इमेजिन करिए कि नाउ द DNA इज मूविंग. गिव द इंस्ट्रक्शन, अगर आपको डायबिटीज़ है तो इंस्ट्रक्शन दीजिए कि पैंक्रियाज वैसे ही रीअलाइन हो रहा है जैसे जब आप पैदा हुए थे तब हेल्दी सेल्स बने थे. तो जब हम ये इंस्ट्रक्शन देते हैं तो जेनेटिक स्ट्रक्चर जो कि आत्मा है एक सेल की, वो चेंज होनी शुरू हो जाती है. वैसे ही अगर आपका BP बढ़ा हुआ है या हार्ट के कोई इश्यूज हैं तो आपने वही इंस्ट्रक्शन अपने हार्ट के सेल्स को देनी है. जो कार्डियक सेल्स हैं उनमें ऐसी इंस्ट्रक्शन दीजिए, रीअलाइन एज पर द सबकॉन्शियस ब्लूप्रिंट दैट इज लॉज्ड इन द सबकॉन्शियस माइंड. सो ईच एंड एवरी ऑर्गन कैन बी हील्ड like this only by giving a simple instruction of realign yourself as the original blueprint that is lodged in the subconscious mind. Keep doing this activity for different organs and you will see your whole body changes and becomes new in just 3 months time.
keep sharing this video with your friends and family so that the healing process is there for everyone in this world. Stay happy, stay healthy.